जो जो भी आप बताते हैं नहीं भाई, ये उसके लिए पूरा मैं एग्री हूँ। छान बीन के पूरा ये रिपोर्ट देता, अच्छा रिपोर्ट देता भाई, जो एकदम क्लियर हो, फालतू रिपोर्ट नहीं सीधी है। भाषा में समझ आनी चाहिए। हाँ, सीधी भाषा में समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जावेद ब्लॉग्स। बस ये गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है। इस टाइम पे 3 बज रहा है, बट आप लोग बोलते हो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। और अभी लग गई है ड्यूटी, और अब हम चाहेंगे जरीर, अभी हम चलेंगे जरीर, क्योंकि जरीर में मैडम ने कहा है कि इसको बदल के लेके आने के लिए शायद इसमें कुछ खराबी है, तो चलते हैं जरीर, आपको थोड़ा जरीर में घुमाते, अगर घुमा पाया तो ठीक है। चलिए, तो रास्ते में अभी हैं, हम जा रहे हैं। तो गाड़ी देखो मैं कैसे चलाता हूँ, क्योंकि ये वाला जो पैर देखो ये फ्री है, बाकी ऑटोमेटिक डी पे गाड़ी चल रहा है, और आराम से चलाते रहो रिलैक्स होकर के। ड्राइविंग यार, आप लोग कमेंट करते हो जावेद भाई ड्राइविंग का काम अच्छा है, आप मुझे देख सकते हो अच्छा है या बुरा है, ये आपका आपका मतलब कि फैसला है अच्छा है या बुरा है। बट मेरे हिसाब से भाई, मैं इसी से रोजी रोटी कमाता हूँ, इसी से काम करता हूँ। ड्राइविंग लाइन हो या कोई भी काम हो, सब काम अच्छा है अगर सैलरी मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है। बाकी ड्राइविंग की बात तो ऐसी है कि भाई, नसीब बढ़िया मिला तो काम अच्छा रहेगा, कफील अच्छा रहेगा। अगर नसीब बढ़िया नहीं रहा तो भाई, आप ज़िंदगी में कभी दोबारा सऊदी आने का नाम भी नहीं लोगे, ठीक है। अब ऐसे भी जो इंसान एक बार सऊदी, दुबई, कतर, किसी भी गल्फ कंट्री में एक बार आ जाता है ना, और यहाँ का वो पैसा देख लेता है, वो दूसरी बार सऊदी अरब आना ही चाहेगा या किसी और कंट्री में जाना ही चाहेगा, क्योंकि वो पैसा देख चुका है यहाँ की रियलिटी आखिर क्या है। तो हम लगा लेते हैं पार्किंग इधर ही, क्योंकि बाद में पार्किंग नहीं मिलेगा, और जरीर के हम नज़दीक पहुँच चुके हैं, ठीक है। कहाँ है पार्किंग, मिल जाएगा भाई। यहाँ पर सबसे पहले पार्किंग की सुविधा ढूंढ के लगा लो, क्योंकि भाई बिना पार्किंग किए अब आप लगाओगे कहीं पे तो चलान आपको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। मास्क तो, दवाई तो मिली नहीं कोरोना की, लेकिन दवाई एक ही चीज़ है कोरोना का, वो है मास्क। भाई आप इंडिया में हो, किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, भाई मास्क लगाओ यार, मास्क लगाओ। आप अपनी सेहत बचाओ और दूसरों को भी बचाओ, ठीक है भाई। कोरोना देख रहे हो, बहुत फैल रहा है, दवाई मिली नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलते हैं हम ऊपर फटाफट जरीर में। देखो एग्जिट नंबर 2 है उधर सामने में, धूप है, ठंडा मौसम है, बाकी रोड नीचे में ये पार्किंग बना हुआ है, देख रहे हो पार्किंग है जरीर का, नीचे का बहुत बड़ा पार्किंग है। ये मार्केट है, अभी इस टाइम पे बंद है, थोड़ी देर के बाद खुलेगा, क्योंकि जुमा का दिन था आज इसके लिए चल रहे हैं थोड़ा। उधर अच्छा है, पार्क बना हुआ है। अब मेरे ट्राउज़र में जेब बहुत कम है, तो चार चार मोबाइल लेके मैं कैसे घूमूँ यार, बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड, यमनी, सऊदी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सऊदी सऊदी, फोक फोक। भाई आया इधर, मालूम पड़ा कि जरीर बंद है। बाकी देखो यही पार्क है, बहुत बढ़िया, इसी के बारे में कहा था कि भाई ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, देख रहे हो भाई। ऐसे ही ये सब पूरा कैफेटेरिया सब बना हुआ है यहाँ पे जरीर का, एग्जिट नंबर 2 पे। बाकी ये देखो पानी की ओरिजिनल आवाज़ आप लोग सुन सकते हो, सुनो बेहतरीन। पानी में डुबा दूँ क्या मोबाइल, बोलो, डुबा देता हूँ पानी में मोबाइल, लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे मुझे मालूम है आईफोन 11 पानी में मैं डुबा चुका हूँ, बट अभी मैं आपको लाइव पानी के अंदर का व्यू थोड़ा घुमाता हूँ। व्यू तो कुछ भी नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो रिस्क लेते हैं 70,000 रुपये का, ठीक है, इंडिया का। वैसे सऊदी का 3100 रियाल का है। चलो पानी में डुबाते हैं मोबाइल, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, और ये गया मोबाइल पानी में। तो पानी का हिलकोरा मार दिया मोबाइल में, मोबाइल चल रहा है यार, वाटरप्रूफ मोबाइल है, ऐसे 70,000 रुपये का सामान नहीं है।
मकान बदलने का इन्होंने फतूरा दिया है और मैं चल रहा हूँ अभी ऊपर। ऊपर से जब नीचे आते तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जरीर। ये फिलहाल ये ऊपर है वो चाइनीज सामने चाइना वाला। देखो नीचे जरीर के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और किताब मिलता है। अभी हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर के डिपार्टमेंट में ये किताब कॉपी पेन बैग स्कूल का, आपको क्या लगता है सस्ता है बैग? दिखाऊं थोड़ा एक नेम टैग और प्राइस के साथ। तो बैग टैग देखो, ये नाइक का बैग है, ठीक है, शायद ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट ये अलग बात है। 159 मतलब 160 रेट, इसमें टैक्स लगना बाकी है। एक नॉर्मल सा बैग, जैसे मान लो ये नॉर्मल बैग है, इसकी भी कीमत अच्छी खासी होगी, बट यहाँ पर टैग, हाँ ये देखो 169, ये भी 170 रियाल का है भाई। बैग स्कूल का सामान सब बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे। खैर चलो, यहाँ की लेवल के हिसाब से इतना पैसा कुछ भी नहीं है। अभी सामान वगैरह हो गया है हमारा, तो कैमरा सब रखा है। इंशाल्लाह आगे की लाइफ में 3-4 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे घर पहुँचते तक, तब लिया जाएगा कैमरा इंशाल्लाह, ये भी लिया जाएगा GoPro। ये बाकी इधर मोबाइल सब देखो, पसंद करो इसको कौन सा मोबाइल उठाना है उठाते चलो, दाम भी देखते रहो कितने कितने का। 299 देखो, ऑनर का सेट पूरा मोबाइल का। इधर नोकिया का है मोबाइल, इधर हवाई का सेटअप, इधर है आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो है। هذا كيف صح؟ هذا مرة هديها بس حلو برضه، بس برضه يعني انا باخذ ما راح اخذ هذا، باخذ هذا. تخيل تمشي بشركة في اليد. قرآن شريف بھی ملتا ہے یہاں پر، بہت بڑا ہے، مجھے بہت لیٹ ہو گیا اس کو ڈھونڈ کے نکالنے میں، چلیے اس کو کیشیئر کرا دیتے، کیشیئر کھا لیے فٹافٹ۔ تو جریر سے ایگزٹ لینے کا ٹائم آ گیا ہے، हमारा सामान हो चुका है, चेंज भी हो गया और जो लेना था वो भी ले चुके। टाइम पता है 5 बजने वाला है। जाते जाते लास्ट टाइम एक बार और देख लो, इसी पानी में एक्सपेरिमेंट हो चुका है मोबाइल का। ये लेने के लिए आया तो मालूम पड़ा मैडम बोले डेन्यूब जाने के लिए, तो उधर भी जाना पड़ेगा। तो शाम के बाद यार रूम में आया, खाना पीना खाया था। दोपहर में खाना मैंने नहीं खाया था, भाई जान अकेले खाए थे। तभी शाम हो रहा है और हम लोग पी रहे हैं चाय, थोड़ा थोड़ा सा चाय। आप सोच रहे हो कि मैंने शर्ट क्यों चेंज किया है, तो अपने मेन चैनल की वीडियो के लिए मैंने शर्ट चेंज किया है। अभी टॉपिक सोच रहे हैं कि किस पर बनाएं, क्या करें नहीं करें। फिलहाल भाई जान को चाय पिला और हम भी पी लेते, आप लोग भी पी लो। देखो भाई 2 घोट चाय है बस, पीने का मन नहीं है, बट भाई जान आ जाते हैं तो। बाकी कपड़ा सब इधर गिरा हुआ देख रहे हो, क्योंकि इधर जो है ना टांगा रहता तो वीडियो में ना आ जाए, तो भाई थोड़ा चलता है यार, ड्राइवर की जिंदगी है यार, जैसी हो बस रियलिटी है। तो भाई हम लोगों का थोड़ा थोड़ा चाय पी रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं भाईजन? जा रहे हैं यार मजमा। जमाल भाई यहाँ से कितना किलोमीटर है? 198 200 किलोमीटर है भाई उधर ही, अलकसीम रोड पे। अलकसीम रोड पे अब 2-3 दिन उधर ही रहते हैं, क्या रहते हैं कोई पता नहीं है। हम कैसे खाना खाएंगे अकेले पता नहीं। क्या करेंगे, ड्यूटी है ना। रात को 1:30 बजे अंडा और ब्रेड बना करके दिया हूँ इनको खाने के लिए, खा लीजिए प्यार से। अभी जा रहे भाई इंशाल्लाह, अब फिर 2-3 दिन बाद ही मुलाकात होगी। क्योंकि अभी कोई पता नहीं रहता इन लोग का कि मतलब जाके 2 दिन में आएंगे, 3 दिन में आएंगे, हफ्ते दिन में आएंगे, कोई पता नहीं रहता है। उधर पूरा पेड़ पौधा है भाई गाँव की तरह पूरा। मैं शूट करके लेके आऊंगा। लेके आइएगा शूट करके दिखाइएगा मेरा मजरा कैसा है। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है ना। वैसे चैनल पे 2 दिन के बाद वीडियो आ रही है, बताइए पब्लिक को कि हम कहाँ बिजी है, काम ज्यादा हो गया क्या? भाई थोड़ा सा काम बढ़ गया था ना इसकी वजह से, अब कल तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला है। दोपहर का खाना भी आदमी ढंग से नहीं खा पाया, 4 बजे खाए हम लोग खाना, क्या करेंगे। खाना भी अभी 4 बजे भी खाने के बाद अभी खा रहे हैं तब तक फोन आ गया मेरा भी भाई इनका भी ऐसे ही हाल है भाई। हम तो बात कर रहे थे, अभी ये दो भाई आए हैं बड़ी देर से ढूंढने के बाद, रूम में बैठाते तो बात करते।
तो भाई हमारे ये दो भाई आए हैं हमसे मिलने के लिए, एक भाई 7 नंबर से आए हैं और एक भाई हमारे पास से ही आए हैं बट ढूंढते ढूंढते मिल गए। क्या नाम हुआ भाई जनाब आपका? मेरा इमरान नाम। इमरान भाई हो गए और उधर हो गए अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम भाईजान हो गए, ठीक है। तो हमसे मिलने के लिए आए हैं, थोड़ी सी इनसे बातें करते हैं। तब क्या हाल है, सब खैरियत? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। और बताइए आप? बढ़िया। कितना दिन से देख रहे हैं वीडियो? ये काफी दिन से देख रहे हैं। बहुत दिन हो गया भाई, कम से कम 1 साल से तो ऊपर हो गया। 1 साल से तो ऊपर हो गया, मतलब कि वीडियो में आप मेरे सामने हैं। कुछ ऐसा बताइए जो कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज की कमी हो वीडियो के अंदर में। क्लियर है एकदम साफ, जो भी जो भी आप बताते हैं। नहीं नहीं, ये पूरा मैं एग्री हूँ। छान बीन के पूरा ये रिपोर्ट देता, अच्छा रिपोर्ट देता भाई, जो एकदम क्लियर हो, फालतू रिपोर्ट नहीं। सीधी भाषा में समझ आनी चाहिए। हाँ, सीधी भाषा में समझ जाओ, बस ये आप लोगों के लिए ही है कि ताकि आसानी हो। आसानी हो, बाकी देखो भाई, भाई लोग मिलने आते तो अच्छा लगता यार मिलने के लिए। और कहाँ से हुए आप? मैं सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से, यूपी से। और आप भाईजान? बस आजू बाजू। वाह क्या बात है, तो दोनों भाई यूपी से हो। सऊदी अरब में यूपी से बहुत सारे आदमी मिलेंगे भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग यूपी से ही हैं और हम लोग यूपी बिहार कहीं के भी रहे तो भाई एक जैसा प्यार रहता है। जावेद अच्छा। भाई को भाई सभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कायदे से आराम से एंजॉय करिए वीडियो को। जो भी है रियल है, फेक कोई नहीं है, फेक कोई नहीं है। हौसला बढ़ाइए। तो गोरखपुर में भी हम फेमस हैं, गोरखपुर में भी हमें सब जानते हैं, जमनैया से हैं गोरखपुर, वहाँ भी अपना है घर, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं। चलिए, कोई चीज का फेक वीडियो एक भी नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए अच्छा लगा मिल करके। तो दोनों भाई आए, मिले, बहुत अच्छा लगा, बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। एक भाई को 8 साल गुजर गया यहाँ पर और एक भाई को 9 साल गुजर गया यहाँ पर। दोनों का घर अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बात हुई और ये बात होती, बट भाई यहाँ पे तो आपको पता है सऊदी अरब में लोग काम करने आए हैं और अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। खैर, आप लोगों का शुक्रिया भाई, आए मिल लेकर गए, बहुत अच्छा लगा, घर की एक फीलिंग सी आ जाती है, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 6 दिसंबर की वीडियो है और आप ये वीडियो 6 दिसंबर को ही देखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको आज पब्लिक कर दी है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, ठीक है। लव यू, थैंक यू।